सकल मसीह समाज के रैली इसलिए मोर्चा इसलिए निकाला गया, शांति मोर्चा है ये, ये कोई पॉलिटिकल मोर्चा नहीं है। मसीह समाज के ऊपर में, चर्च के ऊपर में, धर्म गुरुओं के ऊपर में जो हमले हो रहे हैं, हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल उसको फाड़ा जा रहा है, पवित्र क्रूस को तोड़ा जा रहा है, हमारे पवित्र कब्रिस्तान के अंदर के क्रूस तोड़े जा रहे हैं, और ये सारी घटनाएं हमारे देश के अंदर में कई शहरों में हो रही है, उसके विरोध में हमने ये मोर्चा निकाला है, ताकि हमारी जो मांगे हैं, हमारी सुरक्षा जो है, ये सारी बातें हम महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचा सके। हमारे जिलाधिकारी साहब, उनके माध्यम से हम सारे हमारे जो भी नियुक्त हमारे राष्ट्रपति है, महामहिम राष्ट्रपति, पंत प्रधान, होम मिनिस्टर और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, हमारे खासदार लोकल, सब एक पास में ये संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं, मसीह समाज की तरफ में ध्यान रखा जाए, उनकी उनकी रक्षा की जाए, और जिन्होंने भी ये हमले किए हैं उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। इसलिए मुख्य मोर्चा को हमने आज निकाला है। हाँ, ये मेकोसभा क्रिश्चियन कॉलोनी से रैली निकली है और ये जा रही है LIC चौक तक के रुकेंगे, वहाँ से जिलाधिकारी कार्यालय में हम पहुँचेंगे, और मांग यदि पूरी नहीं होती है इससे भी बड़ा मोर्चा हम निकालेंगे, और आज के मोर्चे में भी करीबन 8 से 10 हज़ार लोग पाए जाते हैं। ये जो जाति विशेष को लेकर जो भी ये समाज में जो गलत खामियां बढ़ रही है, उसके लिए आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, और सारे समाज के यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं, सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं जो आज अपने मुद्दों को कलेक्टर ऑफिस तक उनको डेपुटेशन देने के लिए जा रहे हैं, और सभी की ये मांग है कि जो भी हमारे मुद्दे हैं वो पूरे हों। हजारों की ताकत में महिलाएं शामिल है, और जैसे कि क्रिश्चियन समाज एकता के लिए मशहूर है, उसी प्रकार से जैसे हमारा जो भारत है वो सर्वधर्म समभाव के लिए प्रचलित है, और जो अलग अलग शहरों में चर्चेस को जो डिमोलिश किया जा रहा है, और क्रिश्चियन भाई बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में ये शांति मोर्चा ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये रैली जो है ये मेकोसभा के ग्राउंड से निकली थी, और ये कलेक्टर को एक डेपुटेशन देने के लिए जारी है। इसी तरह का फिर से मुख्य मोर्चा ही निकालेंगे, जैसे कि हमने गांधी जी को देखा है कि शांति में ही, अहिंसा में ही उनको जो निर्णय मिले थे, जो रिजल्ट मिले थे, वो भी हमको मिलेंगे।